बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइक हूँ आपके साथ। मैं बूस्टर डोज के मतलब आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं इंशाल्लाह ताला जो कि अभी 2200 बरपा है कि 1 फरवरी से बूस्टर डोज जिस बंदे ने नहीं ली वो बंदे का स्टेटस अम्यून नहीं रहेगा। वो कहीं भी मार्केट वगैरह में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में, ये बहरहाल जो कुछ भी बोला जा रहा है इसके मुतलक वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरफ एक पिक्चर दिखा दूँ जो कि अमन अल आम की तरफ से, वजारत दाखिलिया की तरफ से, आप जिस यार एक कन्फर्म जराए से बोल रहे हैं, ये पिक्चर शाया की गई है। आपको पिक्चर दिखा दूँ, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। जिसमें लिखा हुआ है 1/2/2020 से, यानी कि वही फरवरी की एक तरीक से, दूसरे माह की एक तरीक से बूस्टर तीसरी खुराक हासिल करना लाजम होगा। ठीक है जी, दर्जा ज़ैल मकामात और सरगर्मियों के लिए दाखिल होने होते वक्त जिनमें इक्तसादी, तजारती, सकाफती, खेल और सियाती सरगर्मियाँ, इसके अलावा सकाफती, इल्मी, समाजी और तफरी मुनासबात हैं, मकामात बोल रहे यार आप, और इसके अलावा सरकारी निजी अदारे चाहे ड्यूटी निभाने की गरज से हो या मराजा के लिए हो। ठीक है जी, यानी कि जाने, वैसे जाने के लिए किसी से मिलने जा रखे हैं या आपने अपॉइंटमेंट वगैरह या तस्वीर वगैरह ली हुई है अंदर की, तो इसके बाद हवाई जहाज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवार होते वक्त। ठीक है, नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है वो भी आपको बता दूँ मैं। ठीक है, मकामात आपने सुन लिया, यानी कि वही तमाम तर पॉलिसीज़ हैं जो आपको सेकंड डोज के वक्त लाजम थी। आप सेकंड डोज लें तो कल्ला में आपका स्टेटस इम्यून हो, फिर ही आप किसी मार्केट वगैरह में फलां 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 जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ जी, अच्छा यहाँ पर हवाई जहाज़ भी लिखे हुए हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। अच्छा, इसके लिखा हुआ उन लोगों को अस्तशना हासिल है जिनको वैक्सीन के लिए वैक्सीन लेने की शर्त से खारिज किया गया है, जैसा कि तवक्कलना ऐप में जाहिर होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी ट्वीट की गई, ये हिंदी में भी की गई, ये उर्दू में भी की गई, उर्दू की मैंने आपको दिखाई है। अस्तशना उन बंदों को हासिल है, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, जिन बंदों की तवक्कलना में या सेहती में अभी तक उनको ये कहा जा रहा है कि आप अनएलिजिबल हैं, जैसा कि हमारे पहले आ रहा था, आप अनएलिजिबल हैं बूस्टर शॉट के लिए, आपको बूस्टर शॉट अभी नहीं लग सकती। आप एलिजिबल हो चुके हैं, आप नहीं लगवा रखे हैं, तो आपके ऊपर ये पाबंदी है जो 1 फरवरी से मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसमें और भी कुछ है जी, मैं आपको बता जो बताना चाहता था वो ये है भाई, आप 1 फरवरी गुजर जाती है, आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है 5 की, 10 की, 15 फरवरी की, आपको अभी नहीं मिली है, तो अभी आप क्या करेंगे? आपका स्टेटस क्या इम्यून रहेगा या नहीं रहेगा? भाई आपका स्टेटस इम्यून ही रहेगा, उस टाइम तक रहेगा जब तक आपको सेकंड डोज लिए हुए 8 माह नहीं गुजर जाते। ठीक है जी, आप जा सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी वगैरह जैसे गसर है, आर्मीज एरिया है, इन इलाकों में, खासकर इन एरियाज में आप नहीं जा सकेंगे जी, ये आपको क्लियर कर दूं। चाहे आपका स्टेटस इम्यून ही हो, आपकी वो तीनों डोज चेक करेंगे। ठीक है, आप वैक्सीन की बूस्टर शॉट लगवा लें, यही बेस्ट है। अगर 8 माह से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है तो फिर भाई आपको जाहिर सी बात है आपका स्टेटस इम्यून ही रहेगा, आप किसी भी मार्केट वगैरह में, टैक्सी वगैरह में, नकल जमाई में सफ़र नहीं कर सकते। आप अगर एयरलाइन के मुतल्लक बात करें, हवाई जहाज़ के मुतल्लक, तो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह छुट्टी जाना चाहते हैं, तो आपका स्टेटस अगर इम्यून ना हुआ तो आप भाई छुट्टी भी नहीं जा सकेंगे, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। आपको बूस्टर डोज यहाँ से अभी लाजम है, अपॉइंटमेंट मिल रही है, ले लें, लगवा लें, यही बेस्ट है।